से लगाई थी वो कोई पूरे होने वाले नहीं है। मैं तो चाहूंगा आज लेखानुदान लेके आ रहे हैं, इसके अंदर इनकी एक बहुत बड़ी घोषणा थी डीजल पेट्रोल पे वैट कम करने की, तो ये हरियाणा से कम या हरियाणा के बराबर तो उस चीज़ को करें ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले दो माह से जो पर्ची सरकार चल रही है जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। इनके विधायक इनके मंत्री बड़बोले बोल बोल रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर ये सत्ता के अंदर जीत के आए थे उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। दो महीने के अंदर राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने का काम किया है, अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन पता चला एक युवा मित्र की डेथ भी हो गई, और महात्मा गांधी प्रेरक की भर्ती रोक दी, मेडिकल की भर्तियाँ कंप्लीट हैं उनकी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, पशु मित्र ठेका कर्मी लगातार परेशान हो रहे हैं, बिजली की अव्यवस्थाएँ किसान के साथ पिछले दो महीने से चल रही हैं। इन चीज़ों पर ध्यान न देकर यहाँ के मंत्री और विधायक दिल्ली की पर्ची का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से पर्ची आ जाए तब ये लोग काम करें। हाई कोर्ट की डाट टिकी, पूरे देश के अंदर जब सब जगह से थू थू हुई उसके बाद दो महीने में ये एजी लगा पाए हैं, तो ये तो इस सरकार की कार्यप्रणाली है। और कल भी मुख्यमंत्री जी लेखानुदान के लिए भी पहले दिल्ली पहुँचे हैं, दिल्ली गए हैं, वहाँ से पर्ची मिली है, अनुमति मिली है, उसके बाद यहाँ लेखानुदान आ रहा है, तो ये हो क्या रहा है सरकार में, ये मैं कहना चाहूँगा। चार महीने का बजट मान लेखानुदान ला रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो घोषणाएं उम्मीद है लोगों पर उन पर खरा उतर रही है सरकार, उतरेगी? क्योंकि ऐसा सरकार का भी दावा है कि महिला सुरक्षा हो, किसान हो, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है चुनाव को लेकर। देखिए महिला सुरक्षा की बात करें तो जितने महिलाओं पर अत्याचार बीजेपी के समय में और बीजेपी के नेताओं ने किए इतने कभी हुए नहीं। किसान की बात करें तो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, आज किसान की आमदनी आधी भी नहीं छोड़ी। उसी किसान के लिए तीन काले कानून ये लोग लेके आ गए, उसी किसान की जो सम्मान निधि थी जिसको 12,000 बढ़ाना था उसको अब 8,000 की कह रहे हैं, तो किसान की महिलाओं की बात कहाँ की है? आज प्रदेश के अंदर लगातार जिस प्रकार की महिलाओं पे बच्चियों पे वारदातें बढ़ रही हैं, अभी मैं पढ़ रहा था अलवर का ही समाचार कल आया है, एक टीचर ही बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा है, तो ये तो इनका कानून का राज है। ये खुद थानों में जा रहे हैं उसके बावजूद भी इनकी कानून व्यवस्था चुरुस्त दुरुस्त नहीं करा पा रहे ये लोग।